कैसी हो गंगा? मैं ठीक हूँ आनंदी जी, और आप? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, थोड़ी भागदौड़ चल रही है शिव के उस केस को लेकर, पर मुझे पूरा विश्वास है कि शिव पर लगे सारे इल्जाम झूठे साबित हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आनंदी जी। वैसे भी सच्चे इंसान को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। इस वक्त कैसे फोन किया तुमने गंगा? माफ कर दीजिएगा आनंदी जी, जानती हूँ कि आप बहुत उलझी हुई हैं, लेकिन आपके अलावा कोई नहीं है जो इस वक्त मेरी मदद कर सकता है। अगर किसी इंसान पर किसी का इतना प्रभाव हो कि उसे कुछ और दिखाई ना दे, उसका गलत भी गलत ना लगे, तो क्या करना चाहिए? जग्या के साथ कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अभी तो अपने जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरह सब चल रहा है, हमारे रिश्ते पर आंच जरूर आ सकती है। मुझे सब कुछ साफ साफ गलत होता हुआ नजर आ रहा है। वो इतना भरोसा करने लगे हैं किसी पर कि सच सुनकर भी उस सच पर विश्वास नहीं हो रहा है उन्हें। मैं समझ सकती हूँ गंगा, चकिया जब जिद पर अड़ जाए तो उसे मनाना बहुत मुश्किल होता है। और ये बात सिर्फ चकिया की नहीं है, ज्यादातर पुरुषों की सोच ऐसी ही होती है। जब तक वो खुद ठोकर नहीं खा लेते, अपने विश्वास से हटकर किसी और की बात पर भरोसा नहीं होता उन्हें। गंगा, तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा, ऐसी कोई सिचुएशन बनानी होगी जहां वो गलत बात या काम जगह अपनी आंखों से देख सके, तभी उसे यकीन होगा कि जो तुम कह रही थी वो सही था। आपने कितनी आसानी से रास्ता दिखा दिया मुझे आनंदी जी, मैं यही करूंगी। और कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक आपको फोन कर लूं, जैसे अभी किया। ठीक है, धन्यवाद, मैं फोन रखती हूँ। बिल्कुल सही कहा आनंदी जी ने, जब तक डॉक्टर साहब खुद अपनी आंखों से श्यामल भाई की सच्चाई नहीं देख लेते, उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। खुशबू तो बहुत अच्छी है नाश्ते की। खाने में भी बढ़िया हो वो, बहुत स्वाद है हमारी भींदड़ियों के हाथ में। आप ही से सीखा है माता। वाह, कितनी शांति मिलती है सबको एक साथ देखकर। श्यामल भाई आप? नमस्कार, आइए आइए, आओ आओ पधारो। नमस्कार श्यामल भाई, नमस्कार, प्लीज बैठिए। मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूं कि जो परिवार साथ बैठकर खाना खाता है वो परिवार हमेशा साथ ही रहता है। तो आप भी आज हमारे साथ नाश्ता कर लो, बहुत खुशी मिलेगी हमें। जी आज मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा माँ जी, आज मेरा व्रत है। लेकिन आप लोग खाइए ना, वरना ठंडा हो जाएगा सब कुछ। आपका व्रत है तो साबूदाने की खिचड़ी बना लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, फल खा लिया है मैंने, अब सीधे सूर्यास्त के बाद ही कुछ खाऊंगा। तो सुबह सुबह कैसे आना हुआ श्यामल भाई? एक जरूरी बात करनी थी। गंगा बेटा, तुमने सही कहा था, इस दवा की बोतल में शुद्ध अफीम मिलाई गई थी। आभारी हूं मैं गंगा का, जिसके कारण मेरी फैक्ट्री में जो गड़बड़ चल रही है
उसके बारे में मुझे पता चला। हमारी एक वर्कर को हमने रंगे हाथ पकड़ लिया। वो चोरी छिपे हमारी कंपनी की दवाइयों में अफीम मिलाकर दूसरी जगहों पर भेजा करता। पुलिस के हवाले कर दिया उसे। धन्यवाद गंगा, तुम्हारे कारण यह हो सका, वरना मुझे इस बात की भनक भी नहीं पड़ती। और मैं आरती से भी मिलने गया था उसके घर। बेचारी बच्ची, उसकी जान को खतरा हो गया था, और वो भी हमारी कंपनी की दवाइयों की वजह से। अब मैंने फैसला किया है कि आरती की पढ़ाई और पालन पोषण, उसका खर्च मैं उठाऊंगा। इतनी तो जिम्मेदारी बनती है ना मेरी। अपनी गलती को इतनी आसानी से मान लेना इतना आसान नहीं होता, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, और आप में वो हिम्मत है। बस हर सुबह अपने लिए एक ही लक्ष्य निर्धारित करता हूं मैं, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकूं। बहुत पुण्य का काम है लोगों में खुशी बांटना। बस मां जी, कोशिश करता हूं कि कुछ पुण्य कमा सकूं, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाना आपके हाथ में है। मैं कुछ समझा नहीं श्यामल भाई, क्या बात है? बस वो क्या है डॉक्टर साहब, की फैक्ट्री में दवाइयों का स्टॉक रखने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो सोचता हूं कि एक स्टोर रूम और बना लो, लेकिन उसके लिए जगह तो आप ही दिलवाएंगे ना। क्या श्यामल भाई, इतनी सी बात? आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं अपनी रिकमेंडेशन के साथ उसे मिनिस्ट्री भेज दूंगा, आपका काम हो जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू। श्यामल भाई, आप मुझे बेटा भी कह रहे हैं और थैंक यू भी, ये नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, बाबा नहीं कहूंगा। डॉक्टर साहब के सामने श्यामल भाई की असलियत कैसे लाऊं? मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। नमस्ते सर। नमस्ते, आपने मुझे बुलाया था। सॉरी सर, आपको हिरासत में लेना होगा। मिस्टर नरेंद्र गहलोत के आत्मदाह के सिलसिले में आप पे अरेस्ट वारंट। प्लीज साइन कर दीजिए। रुक जाइए शिव, एंटिसिपेटरी बेल पेपर्स अरेंज कर दिए मैंने। ये रहे बेल पेपर्स। मैं समझ गया था कि इन्होंने आपको पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया, बट डोंट वरी, अब जो भी पूछताछ होगी कोर्ट ऑर्डर्स से ही होगी। ओके सर, आप जा सकते हैं, बस यहां पर साइन कर दीजिए।
भैया अपना ध्यान रखना। भाभी आप भी। कोई भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू विवेक जी। मैं चलूं? यही कि जब कोई इंसान ईमानदारी से रहना चाहे, अपने उसूलों का हाथ थाम कर बिना किसी का दिल दुखाए, लोग उसे चैन से क्यों नहीं जीने देते? अपनी कोई गलती ना हो तब भी उसे इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ती है? आप जैसे इंसान को आज खुद को बेकसूर साबित करने की नौबत आ गई, जबकि आपने कुछ गलत नहीं किया है, ऐसा क्यों शिव? चलिए चलते हैं। आप जाइए शिव, मैं बाद में आती हूँ, कुछ काम है मुझे। कैसा काम? हैली के ऑफिस जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं शिव, इस काम के लिए मुझे अकेले ही जाना होगा। कुछ बताएंगी आप? प्लीज शिव, चलती हूँ। कौन है बहू? तुम अब क्या लेने आई हो यहां पे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? पाओ जी, आप अंदर जाइए, इनसे मैं बात करती हूं। कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने की, चले जाओ तुम यहां से। पाओ जी, आप अंदर जाइए। अगर अपने पति के लिए रहम की भीख मांगने आई हो तो ये पॉसिबल नहीं है। जो तुम्हारे पति ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। मैं शिव को अच्छी तरह जानती हूँ रसिका, उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे पति के साथ? मुझसे हमदर्दी जताने के बजाय तुम मुझे ये पूछ रही हो कि तुम्हारे पति के साथ मेरी क्या दुश्मनी है? अपने पति से जाके पूछो, पूछो उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, किस जन्म का बदला लिया है उन्होंने? वैसे गलती तुम्हारी नहीं है, हम हिंदुस्तानी औरतें आग बन करके अपने पति पे भरोसा करती हैं, वो जो कहे वो सच, बाकी सब कुछ झूठ। और जब सच्चाई सामने आ जाती है तब हम उसे फेस ही नहीं कर पाते। ये हर हिंदुस्तानी शादीशुदा औरत की कहानी है। हिंदुस्तानी शादीशुदा औरतों की सोच पर तुम्हारा भाषण नहीं सुनना मुझे रसिका। मैं जानती हूँ कि शिव बेकसूर है। बेकसूर? इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी जिसके वजह से मेरी बदनामी हो, जिसके वजह से मेरे पति को सुसाइड करना पड़े? पहले तो तुम्हारे पति ने मेरे साथ बदसलूकी की और आज तुम यहाँ आई हो मेरे पे इल्जाम लगाने के लिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है रिस्पेक्ट इज्जत ये सिर्फ तुम लोगों के पास होता है? अरे मैं भी औरत हूँ, मेरी भी एक फैमिली है।
अगर मैं झूठी होती ना तो मैं इस बात को कभी सामने लाती ही नहीं। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जिन्हें मर्द जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करे। एक अच्छी खानदान से बिलोंग करती हूँ मैं। बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले हैं मुझे। अच्छे संस्कारों में तो सच बोलना भी होता है, क्या ये नहीं सीखा तुमने? तुम अपनी हद पार कर रही हो। और तुमने अपनी सारी हदें बहुत पहले ही पार कर ली रसिका। मैं अब भी तुमसे कहती हूँ कि अपना झूठा केस वापस ले लो, तो शायद तुम्हारा झूठ छुपा रह जाए। क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी तो मैं सिर्फ एक बात से संतुष्ट नहीं होने वाली हूँ कि शिव पर लगा इल्जाम हट गया। नहीं, कोर्ट लेकर जाऊंगी मैं तुम्हें और अपने पति के मान सम्मान पर दाग लगाने के इल्जाम में सजा दिलवा कर रहूंगी। एक औरत होके दूसरी औरत का दर्द नहीं दिखाई देता तुम्हें? क्या मेरी आंखों में सच्चाई नहीं नजर आती? अपने पति पे इतना भरोसा कि मेरी कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो तुम? पहली बार घर से बाहर नहीं निकली हूँ जॉब करने के लिए, और ना ही पहली बार एक हैंडसम बॉस मिला है मुझे जिसको देख के मेरी नियत खराब हो जाए। इसके पहले बहुत काम किया मैंने, इज्जत के साथ काम किया है, हर बॉस ने मेरी रिस्पेक्ट की है। मिस्टर ब्रजेश संघवी, तुम्हारे पति के पहले मैं उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी। वो आज भी कहते हैं कि वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे हार्ड वर्किंग और सिंसियर लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं जिन्हें सिर्फ अपना काम दिखाई देता है और कुछ नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मेरे सारे बॉसेस के कॉन्टेक्ट तुम्हें देती हूँ। तुम जाओ उन्हें पूछो मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं तुम्हारे पति में है। शिव कोई देवता नहीं है, वो तुम्हें भी धोखा दे रहा है। मेरे घर में बाहर वाले ज्यादा देर तक रुके ये मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। सर उस दिन रात का समय था, काफी देर हो चुकी थी। सर ऑफिस के ज्यादातर कर्मचारी जा चुके थे, कलेक्टर साहब अपने केबिन में बैठ के काम कर रहे थे। सर बाहर मैं अकेला था, तभी अचानक मैंने नरेंद्र को बाहर से भाग के अंदर आते हुए देखा। नरेंद्र ने ऑफिस के अंदर आकर खुद को आग लगाई? नहीं सर, सर जब मैंने नरेंद्र साहब को देखा तब पहले से ही उनके शरीर पर आग लगी हुई थी। सर उनके शरीर से बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी, सर बाहर से भाग के अंदर आ रहे थे। उनके पीछे रसिका मैडम भी थी, वो भी भाग के अंदर आई। सर वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, ये तुमने क्यों किया, रुक जाओ। सर मैं कुछ समझ नहीं पाया। सर मैं भी घबरा गया सर। मैंने कलेक्टर साहब को आवाज दी, सर वो भाग के बाहर आए, फिर हम दोनों ने मिलके आग बुझाई। मैं थोड़ा सा जल भी गया सर उसी, बस सर यही हुआ था सर। पर कलेक्टर साहब ने बताया कि बेहोश होने से पहले नरेंद्र उनसे कुछ बात के लिए माफी मांग रहा था, क्या तुमने सुना कुछ? क्या कह रहा था वो? जी सर, सर ये बात बिल्कुल सच है कि नरेंद्र साहब कलेक्टर साहब से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सर मैं कुछ सुन नहीं पाया। कारण रसिका मैडम इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उनकी आवाज के आगे मैं कुछ सुन नहीं पाया सर। सर मैंने कुछ नहीं सुना सर। करना तुम्हारी एक गलती की वजह से बड़ी हवेली वालों को भी शक हो गया, खासकर डॉक्टर जगदीश की पत्नी को। इससे पहले कि पूरा खानदान हमारे पीछे पड़ जाए, ये सारा अफीम का स्टॉक किसी सुरक्षित जगह पर भेजना होगा। एक बार मामला ठंडा हो जाए फिर देखेंगे क्या करना है। और हाँ, इस बार संभाल के, कोई चूक नहीं होनी चाहिए आपकी बात। सर आप निश्चिंत रहिए, कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। तबाह कर दिया सबको।
गंगा अस्पताल से निकल के घर के लिए। डॉक्टर साहब, श्यामल भाई की फैक्ट्री में हूँ। गंगा, ये क्या बचपना है? मैंने तुम्हें समझाया था ना, उसके बावजूद फिर चली गई तुम वहाँ। अगर तुम्हें कुछ, डॉक्टर साहब आप मेरी बात सुनिए, मेरे पास वक्त नहीं। आपने मुझे कहा था ना कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। मुझे श्यामल भाई के खिलाफ सबूत मिल गया है। आप यहीं आके देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा मैं यूं ही पर शक नहीं कर रही थी। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन प्लीज फॉर गॉड्स सेक अपना ध्यान रखना। तुम किसी भी तरह खतरे में डालने की खुद को जरूरत नहीं है, ओके? डॉक्टर साहब थोड़ी जल्दी आइएगा और गेट के थोड़े पहले ही गाड़ी रोक दीजिएगा, मैं आपको वहीं मिलूंगी। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखना तुम, और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। अगर किसी की नजर पड़ गई तो फिर मुश्किल हो सकती है, ओके? मैं आ रहा हूँ, सुन रही हो ना? जी, बस जल्दी आइए। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, चाहिए उसे पहचानने वाली नजर, अन्यथा इंसान सच के आवरण में छिपे झूठ का पर्दाफाश कभी नहीं कर सकता।